पंच हिस्ट्री। जानिए होल पंच को गूगल ने डूडल बनाकर क्यों किया याद। गूगल के इस डूडल में एक होल पंच दिखाई दे रहा है और गूगल को पेपर में से छेद के बाद काट कर निकालने वाले वेस्ट कागजों से बनाया हुआ दर्शाया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में पेपर शीट्स के लिए स्टेपलर, पेपर क्लिप व अन्य चीजों की जरूरत पड़ती है। इनमें से ही एक छोटा सा औजार है होल पंच। इसके जरिए किसी पेपर को फाइल में जोड़ने हेतु उसमें छेद करने के लिए इस औजार का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस होल पंच का आविष्कार 18वीं सदी में हुआ था। आज गूगल इस होल पंच की 131वीं सालगिरह मना रहा है। गूगल के इस डूडल में एक होल पंच दिखाई दे रहा है और गूगल को पेपर में से छेद के बाद काट कर निकलने वाले वेस्ट कागजों से बनाया हुआ दर्शाया गया है। होल पंच का आविष्कार मशहूर इन्वेंटर बेंजामिन थिम ने किया था। हालांकि इस होल पंच में कुछ बदलाव कर बाद में 14 नवंबर 1886 में जर्मनी के रहने वाले इन्वेंटर फ्रांचराइस ने इसे अपने नाम पर पेटेंट कर लिया था। फ्रांचराइस को सम्मान देते हुए गूगल ने उन्हें इस होल पंच का डूडल बनाया है। बता दें कि एक वाइंडर और नीब जो इन पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है, फ्रांचराइस ने इन दोनों चीजों का भी आविष्कार किया था। होल पंच अब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है जो कि भविष्य में भी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहले इसे केवल ऑफिस के काम के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन आम जिंदगी में इसके इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए इसके डिजाइन में अन्य बदलाव किए गए। 18वीं सदी से लेकर अभी तक हर प्रकार के काम में होल पंच का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूली बच्चों, कॉलेज छात्रों और ऑफिस कार्यों से लेकर सभी पेपर में छेद करने के लिए होल पंच का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ बातें होल पंच के बारे में। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए।